और जम्मू के सिदरा इलाके में हुई मुठभेड़ में 4 आतंकवादी मारे गए। जम्मू से श्रीनगर जा रही एक ट्रक की जानकारी मिली थी और उसकी तलाशी ली गई तो आतंकियों ने फायरिंग कर दी और उसके बाद जवाबी कार्रवाई में ये सभी आतंकवादी एक एक करके ढेर कर दिए गए। पुलिस को शक है कि आतंकवादी किसी बड़े ग्रुप से संबंधित थे। आतंकियों की साजिश नाकाम, गोलियों से दहला जम्मू, सुरक्षा बलों ने मार गिराए आतंकी। दिसंबर महीने की सर्द रात 4 आतंकियों के लिए आखिरी रात साबित हुई। जब पूरा जम्मू रजाई में सिमटा था, उसी वक्त आतंकवादी अपने मंसूबों को पूरा करने के लिए आगे बढ़ रहे थे। जब पुलिस ने जम्मू से श्रीनगर जा रहे ट्रक को रोका और जांच कर रही थी, तभी उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी, जिसका सुरक्षा बलों ने करारा जवाब दिया। इस दौरान मंजर बेहद खतरनाक था। धुंध के बीच हवा में बारूद की गंध थी। आतंकवादियों की फायरिंग का जवानों ने मुंहतोड़ जवाब दिया। भारी गोलीबारी की वजह से आतंकियों को ले जा रहे ट्रक में आग लग गई। जवानों ने आतंकवादियों को मार गिराया। डेड बॉडीज रिकवर हुई हैं, तो 4 आतंकी जो ट्रक में थे वो मारे गए। 8 बड़े हथियार बरामद हुए हैं, जिसमें 7 AK-47 और 1 M4 राइफल बरामद हुआ है। 3 पिस्टल्स बरामद हुए हैं और भी कुछ मैगजीन, एमुनिशन और पाउच वगैरह भी बरामद हुआ है, जिसकी जांच चल रही है। आतंकवादियों के मारे जाने के बाद ट्रक में लगी आग बुझाई गई। इस दौरान उड़ता काला धुआं दूर तक दिखाई दिया, जबकि हर ओर गोलियों के खाली शेल बिखरे दिखे। खौफनाक मंजर के बीच राहत भरी खबर रही कि आतंकवादी अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो पाए। फिलहाल पुलिस मारे गए आतंकवादियों की पहचान कर रही है, साथ ही उनके संगठन के बारे में भी जानकारी जुटाई जा रही है। एक बहुत बड़ी जीत जो है जम्मू कश्मीर पुलिस को यहाँ पर साफ दिखती नजर आ रही है, बहुत बड़ी कामयाबी नजर आई है। और इसी पुल पे बहुत दिन पहले एक धमाका भी हुआ था। बड़ी जानकारी, पीएम मोदी की मां अस्पताल में भर्ती हैं और फिलहाल पीएम मोदी मौजूद हैं अस्पताल में अपनी मां से मिल रहे। तो इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। अस्पताल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीराबा मौजूद हैं और साथ ही उनके साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र भी मौजूद हैं। ये तस्वीर इस वक्त आपके सामने मौजूद है, जब अस्पताल के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे अपनी मां हीराबा से मिलने के लिए। चौथी मंजिल पर उनका इलाज जारी है और देखिए पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ देर पहले मुलाकात करने के लिए, डॉक्टर की विशेष टीम से मिलने के लिए, ताकि अपनी मां की सेहत से जुड़ी हर जानकारी उनके जरिए यहां पर ली जा सके। और ये तस्वीरें फिलहाल आप देखिए, और अभी जो जानकारी मिल रही है उसके हिसाब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी मां के पास, अपनी मां के साथ इस वक्त अस्पताल में मौजूद हैं। और ये उस वक्त की तस्वीर है जब वो भीतर गए और तमाम डॉक्टर्स की टीम उस वक्त उनके साथ भी थी और खुद गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल भी उनके साथ नजर आ रहे हैं। अस्पताल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीराबेन को सांस में कुछ तकलीफ की वजह से अस्पताल में भर्ती करा गया था, जहां पर जो हेल्थ बुलेटिन जारी किया गया उसमें साफ कहा गया कि उनकी हालत अभी स्थिर है। लेकिन अपनी मां से मिलने वो अहमदाबाद पहुंचे और ये अस्पताल के भीतर की तस्वीर, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिलहाल अब कहा जा रहा है कि अपनी मां के साथ उनके पास मौजूद है। और तकरीबन